अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ वजीहा अमार और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम सोशल इशू पे, ड्रग्स पे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिन ब दिन ड्रग्स लेने वालों लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर हमारे यंगस्टर्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसी बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारे यंगस्टर जो हैं मोस्टली आपने देखा होगा ओपनली अब तो ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा सब और ये किस तरह ठीक हो सकता है? देखें, ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए कि हमारे माशरे में दिन ब दिन फैशन बनता जा रहा है। बिल्कुल। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और आप चर्स नहीं पीती और आप अगर ड्रिंक नहीं करती और आप स्मोक नहीं करती तो आपको कहते हैं लो मेंटेलिटी। हाँ, लो मेंटेलिटी, आप फैशनेबल नहीं है और आप ओल्ड फैशन है और ये एक तक जो चलता आ रहा है सारा। उसके मुकाबले में लोग एंट्री मार लेते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए, बट देन शो ऑफ जो है जब आपके नशा एक चीज़ से पूरा नहीं होता तो मूव करते रहते हैं डिफरेंट नशे पे, फिर वो डिफरेंट नशे ट्राई करते हैं एक के बाद एक, ठीक है, और उसी में फिर ये इस हद तक पहुंचते हैं और ये सारा कुछ बिगड़ जाता है। अब इसी में एक इजाफा कर दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियन स्ट्रेटजी स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक डेटा गैदर किया था 44 स्कूलों प्राइवेट स्कूल्स की, उन्होंने एक डेटा गैदर किया था और आप शौक सुन के शौक होंगी कि उनके मुताबिक मोर देन 50% स्टूडेंट्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल है, वो ड्रग्स ले देते हैं। उन्होंने एक टेस्टिंग की थी, उसमें पता चला था उनको कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स वो ड्रग्स लेते हैं। तो सर, ये स्कूल के बच्चे ड्रग्स अगर ले रहे होते हैं तो उनके पेरेंट्स कहाँ होते हैं, उनको क्यों नहीं पता लगता या रोकते क्यों नहीं उन्हें, या स्कूल में अगर वो ले रहे होते हैं तो टीचर्स कहाँ होते हैं? देखिए, हमारे तो एक स्कूल सिस्टम, देखें इस पर एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे कि हमारा स्कूल सिस्टम ही टोटल तबाह हो गया। हम वेस्टर्न को कॉपी करने के चक्कर में जो है ना इतने आगे निकल चुके हैं कि हम अपने ना वेस्टर्न बन चुके हैं ना ईस्टर्न बन चुके हैं और मिडल में ही गुम हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्कूल्स को देखें, 20,000, 25,000, 23,000, 22,000 रुपये उनकी मंथली क्या कहते हैं फीस है, और उसमें ज़्यादातर आप देख लें मॉडलिंग, ग्रीन डे, रेड डे, ब्लू डे और यही डेज मनाए जाते हैं, मोस्टली फंक्शंस, एजुकेशन जो है ना उन्होंने बस्ते भर दिए और ट्यूशन ऐसा ही है। अब मैं तो एक तो ट्यूशन के खिलाफ हूँ। देखें, आप जब आपके बच्चों का आपके पास टाइम कितना गुजरता है आपके साथ, ठीक है, और हमारे एक और वजह है जो बढ़ती हुई है, उसकी ये वजह है कि दोनों पेरेंट्स आजकल जॉब्स करने लगे हैं, बाप भी माँ भी, टाइम नहीं दे पा रहे बच्चों को। देखो, पहले एक होता था कि बाप जॉब कर रहा है माँ जॉब नहीं कर रही, तो अगर थोड़ा बच्चा लेट हो गया तो फ़ोन कर देती अब्बू को कि बच्चा नहीं अभी तक पहुँचा, बच्ची नहीं पहुँची, कहाँ गई, क्या नहीं की, कुछ चेक एंड बैलेंस होता था। अब वो खुद सुबह निकलते हैं, 6 बजे आते हैं, वहाँ से वो खुद ड्राइवर लेके आ जाता है, वो घर में आते हैं ना कोई पूछने वाला, 3 बजे आए, 4 बजे आए, मतलब आप पेरेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा बच्चा, नहीं फर्क तो डेफिनेटली नहीं फर्क नहीं पड़ता सर, इतना ज्यादा नहीं पड़ता जहाँ, हाँ वो अपनी लाइफ में इतने हम कह सकते हैं कि उसमें पेरेंट्स का भी है और दूसरा हमारे स्कूल सिस्टम का बड़ा हाथ है। देखिये, अगर आपके हाउ इज इट पॉसिबल, देखिये वो ड्राइवर उनको ड्रॉप करते हैं उनकी स्कूल में, ठीक है, बाहर वो जाते कैसे नहीं जा सकते हैं, तो इट मीन्स वो जो सप्लाई होता है वो स्कूल के अंदर हो रही है, ये उनको देखना चाहिए कि कैसे एक बंदा यहाँ पे ड्रग्स लेके आता है। अब जितने मोस्टली जो लोअर स्टाफ्स होते हैं दे आर डूइंग इट, वो क्या करते हैं 10,000 रुपये का उसका सैलरी पे एग्री हो तो हो जाते हैं, मगर 50,000-100,000 रुपए वो मंथली ड्रग्स से कमा रहे हैं। यही सवाल करना चाह रही हूँ कि अगर ये सब हो रहा है तो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा, हम इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, नजर किसको नहीं आ रहा है? तो फिर एक्शन लेना चाहिए हमें, हमारा फ्यूचर बच्चों का तबाह हो रहा है। आपको पता है ड्रग्स लेने से हर चीज नहीं देखे, ये बात तो नो डाउट ड्रग्स है, अब मसला एक और भी है इसके साथ। पहले एक वीड्स होती थी जर्स, वो पीते थे, अब एक सिंथेटिक वाली जो आ गई ना वो बहुत नुकसान है एज कम्पेयर टू देम, वो 10 times मोर डेंजरस है देन जो नेचुरल ड्रग्स हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि अब डांसिंग पिल्स जिसको मोस्टली हमारे जितने पार्टीज वगैरह थे पिल्स लेते हैं और वो कहते हैं एनर्जी है और दे मूव लगे होते हैं, अब उनको कभी भी वो उस चीज़ की नेगेटिविटी या उसकी जो साइड इफेक्ट्स है वो चेक नहीं करते, दे डोंट केयर, ठीक है। अब वो एक है आइस, बिल्कुल, अब सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, और उसकी वजह चीप,
अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है और चीप भी है। तो क्यों है, क्यों, कैसे अवेलेबल हो रहे हैं? देखिए सर, आप पार्टीज़ की बात करें, पिल्स की बात करें, तो ये पार्टीज़ हो क्यों रही हैं? आपको लगता है हमारे मुल्क में ये सब होना चाहिए? पहली बात तो होना चाहिए नहीं चंदे, कहते कि एक तो वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना, उसे आप आपने आपको स्टॉप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टॉप सब चीजें एक दफा बंद करके सब कुछ खत्म करके, वो नहीं कर सकते आप, कब लिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन ये काम है एंटी ड्रग्स वाले जो हैं, जितनी नारकोटिक्स जितने भी हैं, उनका जॉब है। और उसके साथ ये जो पुलिस वाले हैं, आप किसी भी सेक्टर में जाएं, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर किसी को पता ना हो। छोटे बच्चे को पता होता है कि पिल्स कहाँ से मिलती हैं, वीड्स कहाँ से मिलती हैं, आइस कार से मिलती हैं, तो क्या पुलिस को नहीं पता? इट्स नॉट पॉसिबल, सबको पता है, मगर देखें मोस्टली पुलिस खुद ही इन्वॉल्व है इसी केस के अंदर। Exactly. वो उनको प्रोटेक्शन दे रही है, पैसे ले रही, एंड इस चीज पे तो एक्शन होना चाहिए और भरपूर किस्म का एक्शन। कैसे हो सकता है जब पुलिस इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इसके पीछे इन्वॉल्व होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कोई एक्शन नहीं, क्यों नहीं हो सकते? आप फॉर एग्जांपल अगर किसी के इलाके, किसी भी पुलिस के इलाके में ये चीज़ एक और टीम बना दे, उसके इलाके में पाई जाए, तो उस इलाके के SHO और या जो सब इंस्पेक्टर है उसको मुअत्तल किया जाए 6 महीने के लिए, मुअत्तल दूर कर दे। सर ये तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है रियल में ऐसा कभी भी क्यों नहीं हो सकता? देखिए हो तो सकता है लेकिन होता नहीं है। देखिए होता नहीं है तो फिर आप हल मुझसे पूछ रही हैं, तो हल ये है, अब वो करते नहीं करते, इफ़ दे आर सीरियस अबाउट इट वो करेंगे, अगर नहीं है तो असल में बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि हम जो बीज बोते हैं वही काटते हैं। बिल्कुल ऐसा ही जो SHO ड्रग्स अलाउ करता है ना, उनके उसको वो क्या वो शख्स भूल जाता है कि उसकी अपनी औलाद है, औलाद बिल्कुल उसी की औलाद भी वही चीज़ यूज़ कर रही होती है। ठीक है, तो अगर वो उनको दिखाया जाए और एक सोशल कैंपेन भी चलना चाहिए पेरेंट्स के लिए कि आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को, उसके साथ एक मैसेज, सोशल मैसेज देखते हैं एक कि आप अगर कोई चीज़ इस तरह की एक्टिविटी देखें तो आप कंप्लेन कर दें। ठीक है, NGO हमारी बड़ी पड़ी हैं फजूल चीज़ों में जो हमारी नस्लें तबाह कर रही हैं। देखिए वुमेन राइट्स की, मैं वुमेन के मुखालिफ नहीं हूँ, वुमेन राइट्स पे बड़ा चर्चा होता है और ये वो सब कुछ होता है, खर्चे होते हैं, जो लड़कियाँ इस ड्रग्स में मुबतला होके इतनी सीरियस इशू मेडिकल, देखें ये कुदरती बात है कि जो मैन बॉडी होती है वुमेन बॉडी थी, मैन बॉडी है स्ट्रॉन्गर खुदा ने बनाई है। ठीक है, क्या ये अब वो लड़कियां जो ड्रग्स यूज करती हैं वो औरतें नहीं है? वो और अब इस दौर में लड़कियां जो है ज्यादा ड्रग्स ले रही हैं लड़कों से, as compared to boys। देखें सर, यूनिवर्सिटी में जितना हमारे टीम ने सर्वे किया है, ठीक है, हमने 6 यूनिवर्सिटी का, हमारी जो रिसर्च टीम है उन्होंने 6 यूनिवर्सिटी का रिसर्च जो टीम है उन्होंने सर्वे किया जो मेन हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वी फाइंड आउट कि 58% लड़कियां हैं और 42% लड़कियां जो ड्रग्स करते हैं। और इनका रुझान, क्योंकि लड़कियों में एक चीज़ है वो कंपटीशन वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा है, यू विल एक्सेप्टेड कि हम आप लड़कियां आपस में एक दूसरे के कंपटीशन ज़्यादा करती हैं, हम लड़के नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा कंपटीशन के बीच में नहीं पढ़ते। तो ये अगर एक लड़की कर रही है और उसने कह दिया हाँ तुमने नहीं पिया, अगले दिन वही लड़की आके वो भी स्टार्ट कर देती है और यही चीज़ प्रमोट हो रही है। अब कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन में आप जाएं, अगर आपने देखना हो ना, आपने रिसर्च करनी है चीज़ पे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जाएं, आपको 70% स्टूडेंट्स नशे में मिलेंगे। और सर फंक्शंस के अलावा ओपनली अब तो लोग कर रहे होते हैं, लाइक दे डोंट केयर कि उन्हें कोई देख रहा है या उन पे एक्शन ले रहा है, मतलब कुछ भी ओपनली, इवन लड़कियां भी ओपनली कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, मगर अभी क्या हम नहीं कर सकते? हम तो अब मैं और आप बोल सकते हैं, हम डेटा गैदर कर सकते हैं, उस डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ डेटा नाज़रीन के साथ शेयर कर दूँ, UN की रिपोर्ट के मुताबिक, ठीक है, 706 मिलियन, ठीक है, ड्रग एडिक्टेड है पाकिस्तान में। ठीक है, ये वो हैं जो पता है, मतलब अगर हमारी कोई इस ऑफिस में नाज़रीन कोई चुप के कर रहा है तो हमें नहीं पता, जो पता है कि ये कर रहा है ये सिर्फ वो है, इससे अलावा तो बोर्ड जाता है। अब UN की रिपोर्ट है, इसके अलावा अगर हम मजीद डेटा में जाएं तो ठीक है, वर्ल्ड वाइड में, मतलब एक सर्वे है जो द नेशन में भी छपा, ये भी यही रिपोर्ट छपी थी, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में भी छपी थी, उन्होंने कहा कि अगर जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, अगर ये रफ्तार इसी तरह से जारी रही तो
इन टू डिकेड, टू टू थ्री डिकेड्स, 70% पीपल ड्रग एडिक्ट होंगे. और ये एक दुनिया की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी इंडस्ट्री, इस वेपन्स के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री यही है. बिल्कुल ऐसा ही है. और इसी में ये चल रहा है, इससे ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है. और मुझे लगता है जहाँ तक कि ज़्यादातर हमारे क्राइम्स वगैरह भी इसी शायद वजह से होते हैं. डेफिनेटली देखें, जब माँ बाप को पता चलता है कि बच्चा या बच्ची ड्रग्स कर रही है, देखें अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वी कैन नॉट, चूँकि एक यूट्यूब चलो ओपन है मगर हमारे सारे फैमिलीज मेंबर्स भी देखते हैं, हम कुछ, मगर हमें कुछ चीज़ें अभी बोलनी पड़ रही हैं. देखें लड़कों की बात आती है, वो चोर चकारी में लग जाती हैं, ठीक है, उनको बाबा पता चलता है ड्रग्स ले रहा है तो वो थोड़े बहुत पॉकेट मनी कमी कर देते हैं, स्टार्ट में नहीं कंट्रोल करते हैं, पहले तो माँ का लाडा, बिल्कुल ऐसा ठीक ही होता है, बैठी अब के लड़ली, उस सीन पे चलते चलते वो आगे निकल जाते हैं. और लड़कियों में भी ये चीज़ होती है, जब उनके पास पैसे नहीं होते या पेरेंट्स से नहीं मिलते तो दे मूव टू अदर थिंग्स, जो कि बुराइयां स्टार्ट होती जाती हैं और वो उसको अपने नशे को पूरा करते हैं. तो लड़के फिर क्या करते हैं, चोरी चकारी पे निकल आते हैं इजी. कोई एक बोल देता है कि मैं फलां जगह पे मोबाइल स्नेचिंग की थी तो मेरे पैसे वैसे आ गए, वो ऑटोमेटिकली क्योंकि उसको चाहिए, ठीक है, वो उस चीज़ में लग जाता है. और चूंकि वो एक जो है प्रोफेशनली चोर नहीं है, तो अक्सर औकात आप देखते हैं कि छोटी सी चीज़ पे किसी की डेथ हो जाती है, वो देख अटके इसी वन प्रोफेशनल होते हैं, वो कोई भी बात हुई तो अपने खौफ की वजह से भी अगले बंदे पे गोली चला देते हैं, ठीक है, हालांकि मोबाइल ले चुके होते हैं मगर फिर भी ऐसे डर के कुछ मुझे पहचान लिया या कुछ तो वो मार देते हैं. तो यही कुछ ये क्राइम्स भी बढ़ाती हैं. अगर आप चाहते हैं कि अपने आई एम नॉट सेइंग कि कंट्रोल टोटली 0% आप कर सकते हैं, मगर इतना तो कर सकते हैं कि इतना इजीली अवेलेबल ना हो, स्कूल में अवेलेबल ना हो, लोगों को अपनी फ्लैट्स पे अवेलेबिलिटी ना मिले, ठीक है, ये तो कर सकते हैं. तो सर मोस्टली लोगों से अगर हम पूछते हैं नॉर्मली ड्रग्स लेने की वजह तो वो डिप्रेशन, नहीं नहीं ये आई डोंट बड़ा रीजन होता है डिप्रेशन की वजह से. नहीं नहीं आई डोंट एक्सेप्ट कोई डिप्रेशन वर्शन कुछ नहीं होता. नहीं तो मैं यही पूछना चाह रही हूं कि ड्रग्स से डिप्रेशन दूर होता है? नहीं, आपको मजीद डिप्रेशन में लेके चलता है. तो ये लोगों की आप जरा साइंटिफिकली इसको रिसर्च कर लें तो आपको पता चलेगा, अगर आप वीड्स लेते हैं चर्स जो नॉर्मल जवान चर्स कहते हैं आप लेते हैं तो ये डिप्रेशन में लेके जाता है, आपको डिप्रेशन से निकालता नहीं है. ठीक हो गया. और सर हम लोगों ने मोस्टली देखा है कि इसमें बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मे बी सम ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड ऑल. आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनकी इन्वॉल्वमेंट ना होते तो इतने खुलेआम बहती ना. डेफिनेटली मैं आप ढके छुपे अल्फाज में कह रही, पुलिस के आईजी शेजी इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिशियन के सेनेटर मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि उनका परफेक्ट कारोबार होता है. हमारी एमपीए में ने इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं का कारोबार होता है. अभी जो पिंडी में हुआ था ये जो केस चल रहा था, आई डोंट नो फॉरगेट हिज नेम, जो उसका था राणा सनावला एक था उसका हुआ था. उसके अलावा एक जो उन्होंने उसके फैक्ट्रियों के जो यूज़ होते हैं पिंडी की हैं वो उसके मुकाबले खड़े हुए थे शेख रशीद के मुकाबले में. आपने एक दफ़ा नाम भी लिया अनीफ अब्बासी, उनका एक शू आया था, उन्होंने इतने ड्रग्स मतलब वो किस चीज़ में यूज़ होता है, यही क्रिस्टल और आइस में यूज़ होते हैं वो प्रोडक्ट्स. मतलब वही की बात है कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस या हमारी पुलिस इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती तो मेरा ख्याल से कि हम इस हद तक बहुत इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं. लेकिन यही वजह एक्शन ना लेने की कि ये बड़े बड़े लोग इस सब के पीछे इन्वॉल्व हैं. सर जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें? बस मेरा सिर्फ इतना ही मैसेज है कि अपने बच्चों को पे थोड़ा सा नज़र रखें और उनको टाइम दें और पता लगाएं कि वो किस टाइम आ रहे हैं और क्या कहाँ से आ रहे हैं. और अगर हो सके, अगर आपको शक हो तो कोई किसी मत में उनका टेस्ट भी करवा दें ताकि आप शोर हो चुके, मगर स्ट्रिक्ट ना, एकदम से उन पर सब कुछ रोकना दें, वो किसी और तरफ निकल जाते हैं. ये पैसे बंद कर देना कोई हल नहीं है, वो चोरी चकारी पर निकल आते हैं. प्यार से किसी तरह के से दूसरे तरीक़ों से उसको दूर कर दें. अपना ख्याल रखिएगा, एक अगले दिन एक नए मौजू के साथ आपके पेश खिदमत होंगे, तब तक अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.